अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद हमजा तनवीर फ्रॉम पैराडाइम शिफ्ट। आज हम जिस आर्टिकल को कवर करने जा रहे हैं उसका टाइटल है CSS 2024 फाइनल मंथ एसेंशियल्स। ये आर्टिकल टॉर्च बेयर एकेडमी ने लिखा है इन ऑर्डर टू हेल्प आउट दी CSS एस्पायरेंट्स एट दिस क्रिटिकल जंक्चर। CSS इज कंसिडर्ड वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स इन पाकिस्तान एंड इट इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। पाकिस्तान में हर साल हज़ारों की तादाद में एस्पायरेंट्स इस एग्जाम में अपीयर होते हैं। हाउएवर द पासिंग रेशियो इज जस्ट अराउंड 2 to 3%। इसी सिचुएशन को कंसीडर करते हुए ऑथर ने कुछ ऐसे स्टेप्स मेंशन किए हैं जो कि एस्पायरेंट्स को इस लास्ट मंथ में लेने चाहिए इन ऑर्डर टू सक्सीड इन दिस एग्जाम। द फर्स्ट स्टेप दैट द ऑथर हैज मेंशन इज टू समराइज दी सिलेबस। ऑथर का ये कहना है कि इस लास्ट मंथ में एस्पायरेंट्स को चाहिए कि वो तमाम टॉपिक्स को अच्छे से कवर करें एंड द बेस्ट स्ट्रेटजी द ऑथर हैज मेंशन इज टू अटेम्प्ट पास पेपर्स। आई पर्सनली थिंक कि अगर एक एस्पायरेंट पिछले 5 साल के पास पेपर्स को अटैम्प्ट करता है तो इट मीन्स कि उसने उस सब्जेक्ट के तकरीबन तमाम ही टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। द नेक्स्ट स्टेप दैट द ऑथर हैज़ मैंशनड इज़ टू कंपाइल शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपकी CSS के जर्नी में बहुत कलीदी हैसियत रखते हैं और ये आपको रिविजन में बहुत हेल्प आउट करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग दी एग्जाम। अगर आपके नोट्स एक्सेसिवली लेंथी हैं तो इट मींस कि आपको ड्यूरिंग द एग्जाम रिवीजन का टाइम अच्छे से नहीं मिलेगा। एंड द बेस्ट स्ट्रेटजी टू मेक शॉर्ट नोट्स इज वाइल रिवाइजिंग योर टॉपिक्स। जब भी आप अपने टॉपिक्स को रिवाइज कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि उस टॉपिक को बुलेट पॉइंट्स और फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में अपने पास नोट कर लें ताकि जब आप ड्यूरिंग द एग्जाम उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे हों तो उन बुलेट पॉइंट्स को देख के आप पूरे टॉपिक को रिकॉल कर सकें। द नेक्स्ट स्टेप दैट द ऑथर हैज मेंशनड इज राइटिंग प्रैक्टिस। ऑथर का ये कहना है कि CSS एस्पायरेंट्स को चाहिए कि इस लास्ट मंथ के अंदर अपनी राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। एक चीज़ जो CSS एस्पायरेंट्स को याद रखनी चाहिए कि CSS इज़ अ रिटन एग्जाम नॉट अ वर्बल एग्जाम, इसलिए उनको राइटिंग प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करनी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनको करनी चाहिए वो अपने राइटिंग एक्सप्रेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। उसके अलावा अपनी आर्गुमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए। अब प्रेजेंटेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने से मुराद ये है कि एस्पायरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा मैप्स ड्रॉ करने आते हों और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स बनाने आते हों। इसी तरह अगर एक एस्पायरेंट अपने पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो चार्ट्स और मैप्स ड्रॉ करेगा तो वो दूसरे अपने कंपिटिटर्स को ईजिली आउटशाइन कर सकता है। द नेक्स्ट स्टेप दैट द ऑथर हैज मेंशनड इज एसे एवेल्युएशन। CSS के एग्जाम्स में सबसे टफेस्ट एग्जाम जो है वो CSS का एसे का एग्जाम है, इसलिए CSS के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनको चाहिए कि इस लास्ट मंथ में ज़्यादा से ज़्यादा एसेज को अटेम्प्ट करें और किसी रिलायबल मेंटोर से उन एसेज की एवेल्युएशन कराएं इन ऑर्डर टू सक्सीड इन दिस एग्जाम। द नेक्स्ट स्टेप दैट द ऑथर हैज मेंशनड इज MCQs प्रिपरेशन। ऑथर का ये कहना है कि CSS एस्पायरेंट्स को चाहिए कि इस लास्ट मंथ में MCQs पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। CSS एग्ज़ाम में MCQs 220 मार्क्स के होते हैं। इट मींस कि वो आपके ना सिर्फ पास होने में बल्कि आपकी ग्रुप एलोकेशन में भी मदद कर सकते हैं। अगर एक एस्पायरेंट अपने 220 मार्क्स को रिस्क पे रख रहा है तो इट मींस कि वो अपने पूरे के पूरे CSS के जर्नी को रिस्क पे रख रहा है, अपनी सारी मेहनत को रिस्क पे रख रहा है, इसलिए इट इज़ अ हाई टाइम टू प्रिपेयर योर MCQs। अगली चीज़ जो ऑथर ने मेंशन की है और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। अक्सर ये देखा गया है कि CSS एस्पायरेंट्स स्पेशली इस लास्ट मंथ में इस CSS एग्ज़ाम का स्ट्रेस ज़रूरत से ज़्यादा ले लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब होती है और उनकी फ़िज़िकल हेल्थ भी ख़राब होती है। और वो जब वो ये स्ट्रेस लेते हैं और पैनिक कर जाते हैं तो वो अपने जितना भी उन्होंने ड्यूरेशन CSS की प्रिपरेशन में लगाई होती है उस सब को ज़ाया कर रहे होते हैं। इसलिए आपको ये चाहिए कि आप काम रहें, रिलैक्स रहें और रिलैक्स रहकर अपने CSS के जितने भी सिलेबस है उसको कवर करें और बाकी स्टेप्स को फॉलो करें। द लास्ट थिंग दैट द ऑथर हैज़ मेंशनड इज़ टू मिनिमाइज दी एक्सटर्नल एक्सपोजर। जितने भी CSS के एस्पायरेंट्स हैं उनको चाहिए कि इस लास्ट मंथ में सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम कर दें और अपने एक्सटर्नल एक्सपोजर कम से कम कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग को कम से कम कर दें। अगर आप इस आर्टिकल को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो द टाइटल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। और पैराडाइम शिफ्ट की तरफ से तमाम CSS एस्पायरेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।